हाय डियर स्टूडेंट्स, HB ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अपन छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं कक्षा दसवीं का। विषय हिंदी है ना, ये इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर होता है ना, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। एक क्लास 10 के लिए है CG ओपन। और कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देने जा रहा हूँ, अभी ध्यान से सुनिए पाएगा पहले, क्योंकि आप लोग वीडियो ध्यान से सुनते नहीं हैं, फिर मैसेज करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा देखा कीजिए, है ना, स्किप ना कीजिए। तो सूचना ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य ओपन के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा या नहीं, क्या असाइनमेंट के आधार पर इनको पास कर दिया जाएगा, तो ध्यान से सुनेंगे। कोरोना की स्थिति को देखते हुए जनरल प्रमोशन दिया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो CG बोर्ड का होने वाला है, उसका दसवीं का बोर्ड का टाइम टेबल नया आ सकता है, नए टाइम टेबल में भी पेपर लिया जा सकता है। यदि किसी कारणवश पेपर नहीं होगा तो उनको असाइनमेंट के आधार पर नंबर देकर पास कर दिया जाएगा। इसी को कहते हैं जनरल प्रमोशन। जनरल प्रमोशन में यानी कि पेपर नहीं होता है, सीधे सीधे है ना इनको पास कर दिया जाता है। तो ये अभी ताज़ा स्थिति जो है, अपडेट नहीं आया है ना, अब तक जो है टाइम टेबल पर लिया जाएगा यही फैसला हुआ है। और यदि कोई फैसला नया आता है तो मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा उसके लिए अलग से, और आप लोग भी पेपर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं हिंदी का। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर आपको वीडियो को ध्यान से देखना होगा, सुनना होगा, क्योंकि आपका जो तैयारी है वो वीडियो को देखने पर ही होगा। बिना वीडियो देखे आप तैयारी नहीं कर सकते। यदि घर में पढ़ाई करते हैं तो क्वेश्चन आंसर आपको याद नहीं होगा, है ना, उसके लिए आपको वीडियो सुनना होगा। तो मैं ऑनलाइन जो है एजुकेशन भी करता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता भी हूँ, तो ये ऑनलाइन ही पढ़ाई है आपके लिए। पहला प्रश्न है साधु किसका भूखा होता है, देखिए आपकी स्क्रीन पर साधु किसका भूखा होता है, तो आंसर आएगा भाव का। नागार्जुन बीज के माध्यम से किसकी बात कर रहे हैं, नागार्जुन जो है साधारण जन की बात कर रहे हैं। दिया सलाई की स्पर्श से धूप बत्ती नहीं जली क्योंकि उसका कारण है, देखिए यहाँ पर वह एकदम सीधी थी। बेवक्त जागने पर क्या होता है, तो बेवक्त जागने पर दुनिया के मुकाबले हम पिछड़ जाते हैं। सीता कमलमुखी में कौन सा शब्द शक्ति है, तो लक्षण आएगा खंड व सही विकल्प, सही रिक्त स्थान की पूर्ति करे। सोलठा छंद दोहा का उल्टा होता है, भाई सोलठा छंद दोहा का उल्टा होता है। गांव का रहने वाला ग्रामवासी कहलाता है। वीरांगना कविता के रचयिता केदारनाथ जी अग्रवाल हैं। कर्ण शब्द कान होता है ना। रास खान जो है कृष्ण के भक्त थे। सही गलत बताना है, किरण बेदी ने बीट बॉक्स की स्थापना की, सत्य है। होली के मौसम में गाया जाने वाला फाग गीत सत्य है। आंखें मलना का अर्थ होता है नींद से जागना, असत्य है। ठीक है, बस चलाने वाले को कंडक्टर कहते हैं, असत्य है। सामान्य प्रपत्र के लिए फॉर्म शब्द प्रचलित है, सत्य है। सही जोड़ा बनाइए, तो सही जोड़ा में देखिए मेघाय के रचनाकार कौन है, किसने लिखा है इसको, ये रचयिता है, लेखक कवि का नाम है, तो सर्वेश्वर दया सक्सेना पहला आंसर आएगा। ठेले पर हिमालय में धर्मवीर भारती जी है। सूरदास तीसरा है। चौथा जयशंकर प्रसाद है। पांचवा डॉक्टर रामदर्श मिश्रा जी है। ठीक है, इसके आंसर नोट कर लीजिएगा। PDF जो है 2 दिन के बाद अवेलेबल होगा, है ना, क्योंकि PDF का दुरुपयोग किया जाता है। मेरे चैनल के PDF को डाउनलोड करके दूसरे लोग वीडियो बना देते हैं, इसलिए मैं उसको जल्द इसमें अपलोड नहीं करता हूँ। इसके लिए आप लोग 2 दिन के बाद देखना, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, यदि जिनसे PDF डाउनलोड नहीं होता वो WhatsApp कर देंगे, मेरा ग्रुप भी बना हुआ है, WhatsApp का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और इसमें ज्वाइन होकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। ज्वाइन होकर आपको सारे विषय का PDF फ्री में मिलेगा, एक भी पैसा नहीं लगना है आपको। ठीक है, इसलिए आप जो है ग्रुप से ज्वाइन होकर पढ़ाई कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 में एक लाइन में उत्तर देना है। आदिवासी वनवासी किसे कहते हैं, जो जंगलों पर्वतों पर रहते हैं, है ना, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, आदिवासी। हिमालय से बार बार क्या पुकार आता है, हिमालय से बार बार भारतवासी यही प्रश्न पूछता है। वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। सोलठा छंद का लक्षण लिखना है, तो सोलठा छंद में क्या होता है, विषम चरण में 11-11 मात्रा होता है और सम चरण में 13-13 मात्रा होता है, बस इतना याद रख लेंगे।
विषम चरण में 11-11 मात्राएं होती है और सम चरण में 13-13 मात्राएं होती है। किशोरियों की आवाज़ कैसी है? किशोरियों की आवाज़ कोयल जैसी मीठी है। अगर आप जिन लोग वीडियो ध्यान से सुन रहे होंगे और डेली मेरे वीडियो को देखते होंगे और सुनते होंगे, उनको पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, उसकी तैयारी ऐसी ही हो जाएगी। सयानी होने का अर्थ लिखिए। तो सयानी होने का अर्थ होता है बड़ी हो जाना, यानी कि बड़ा हो जाना, लड़की का विवाह योग्य हो जाना। विधा का अर्थ बताइए। लेखक के द्वारा चुभती हुई बातों को घुमा फिरा कर कहने को व्यंग्य विधा कहते हैं। तुलसीदास जी के माता पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे पिता का नाम और माता का नाम जो है तुलसी था। भक्ति काल की 3 विशेषता लिखिए। राजश्रय का त्याग है ना, भक्ति भावना है ना, और ईश्वर के प्रति आराधना, ये जो है भक्ति काल की विशेषता है। बांग्ला भाषी बांग्ला की क्या विशेषता बताई? यह बहुत मीठी भाषा होती है। बांग्ला भाषा कैसी होती है? मीठी। ऐसे तो हमारे देश की सभी भाषाएं मीठी है, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया उसके आधार पर लिखना पड़ेगा। ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जो हमारे शरीर में कोशिका होता है चमड़ा के अंदर जो है, चर्म के अंदर, उसी को कहते हैं। रसकान कवि ने काग को भाग्यशाली क्यों माना है? भाग्यशाली क्यों माना है? क्योंकि माखन रोटी छीन कर ले गया। बहादुर रात भर भूखा किस लिए रहा? क्योंकि निर्मला ने उसके लिए खाना रोटी भोजन नहीं बनाया था। प्रपत्र की कुछ उपयोगिता बताइए। अपने रिश्तेदार को मनी ऑर्डर देखे। प्रपत्र यानी क्या होता है? लेटर लिखना है ना, ठीक है। पहले के ज़माने में जब मोबाइल नहीं था तो लोग जो है एक दूसरे को संदेश किससे भेजते थे? पत्र लिखकर। तो मनी ऑर्डर से पैसा भेज सकते थे है ना, मित्रों को हम पत्र लिख सकते थे, और संचार माध्यम नहीं था तब, लोगों को संदेश इसी से भेजते थे। पाहुन के संदर्भ में दामिनी का क्या तात्पर्य है? पाहुन के संदर्भ में दामिनी का तात्पर्य अकस्मात आगमन, अचानक आ जाना। बीती भावरी जागरी कविता के आधार पर प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन कैसे होगा? उषा नगरी अब रूपी बनघट में तारा डुबो रही है। पक्षियों के समूह कलरव हो कर रहे हैं। सुबह मॉर्निंग का बात कर रहा है। यमक अलंकार का उदाहरण सहित लिखिए। जिस काव्य में कोई भी शब्द 2 बार आता है लेकिन दोनों का अर्थ अलग होता है, उसे यमक अलंकार कहते हैं, ठीक है। यानी शब्द 2 बार आना लेकिन अर्थ अलग अलग होना। जैसे यहाँ पर देखिए, इस उदाहरण में बेर शब्द 2 बार आया है। बेर तो एक बेर का मतलब फल होता है, बोर जो आप लोग खाते हैं है ना, और एक बेर यानी समय होता है। तो यहाँ पर बेर शब्द के 2 ओठो है। रहीम के अनुसार कौन कौन सी चीज़ें दबाने से नहीं दबती है? तो कुछ हिंदी में ऐसे प्रश्न होते हैं बच्चों, जिसको आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। रहीम के अनुसार कौन सी चीज़ें दबाने से नहीं दबती है? खैरियत, किसी की हत्या करना, खांसी आना, खुशी होना, बैर दुश्मनी करना, किसी से प्रेम करना और शराब पीना। ये 7 बातें ऐसी होती है जो दबाने से नहीं दबती, एक न एक दिन बाहर आ जाती है। कोई व्यक्ति शराब पीता है, उनको पता चल जाता है कि इससे शराबी है। कोई किसी से प्रेम करता है, पता चल जाता है कुछ दिन में कि किससे प्रेम करता है। तो ये सब बातों को लिखना था। ये अथवा में है दोस्तों, इसके बाद अथवा में आप इसको भी लिख सकते हैं। ऊँचे कुल में जन्म लेने का लाभ कब प्राप्त नहीं होता है ना। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे लिखना है आंसर आपको, लिखने का तरीका। ऊँचे कुल में जन्म लेने से कोई विद्वान या बड़ा नहीं हो जाता है, उसके लिए उसमें आवश्यक गुण होने चाहिए है ना, क्योंकि कुल का कोई ना कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। यदि सोने के बर्तन में शराब भर दे तो क्या सोना को अच्छा माना जाएगा? क्या आप अच्छा बोलेंगे कि ये सोना है? नहीं बोलेंगे, ठीक। उसी प्रकार है ना, ऊँचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। शहरी भागदौड़ की जिंदगी की तुलना ग्राम्य जीवन से किस प्रकार की? एकदम सरल प्रश्न है। शहर में लोग जो है भागदौड़ में लगे रहते हैं, आराम नहीं मिलता, ताज़ी हवा नहीं मिलती, शुद्ध वातावरण नहीं मिलता है ना। लेकिन गांव में जाएंगे तो हरे भरे पेड़ होते हैं है ना, और बहुत अच्छा जो है छायादार वृक्ष होते हैं, फल फूल मिलते हैं, नदी होते हैं, तालाब होते हैं, गांव में शुद्ध वायु होता है, इससे लोग स्वस्थ रहते हैं। इसलिए बहुत लोग जो है गर्मी की छुट्टियों में अपने अपने गाँव घूमने जाते हैं। तो इस प्रकार है दोस्तों, अब कुछ प्रश्नों को नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा हो रहा है ना। अब बाकी प्रश्नों को आप PDF डाउनलोड करके कर सकते हैं, ठीक है।
और अन्य सब्जेक्ट होम साइंस, मैथ्स साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनके भी वीडियो बहुत जल्द इसमें आने वाले हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा। पीडीएफ यदि नहीं मिलता है तो आप सीधे मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, मैं इसमें व्हाट्सअप नंबर डाल दिए रहता हूँ, ठीक है। तो ये परियोजना का स्वरूप है। इसमें इसके बाद इसमें आवेदन पत्र भी है, देखिए दिखा देता हूँ। स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आपका आवेदन पत्र आपको बिल्कुल याद करके चले जाना है, ये पेपर में आएगा इस साल, ठीक है। और परीक्षा की तैयारी के लिए पिताजी को पत्र। और निबंध में क्या करेंगे, निबंध में जो है खेलों का महत्व, जीवन में खेलों का महत्व याद करके जाएंगे। और एक और है, इसमें बहुत सारा दिया हूँ, इसमें मैं पद्यांश गद्यांश से सारे चीज़ को दे दिया हूँ। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी है, इसमें दिखा देता हूँ आपको। ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैंने इसमें लगा दिया है, दिखा देता हूँ पहले आपको। ये यहाँ से देखिए अन्य महत्वपूर्ण यानी पेपर में जो आने लायक है, ये 5 साल के रिकॉर्ड से बनाया हूँ दोस्तों, जो पिछला 5 साल का रिकॉर्ड है उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैं इसको बनाया हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।